दोस्तों, कुटकी एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि मुख्य रूप से हिमालय में 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह आकार में छोटी होती है। इसके फूल ज्यादातर सफेद या नीले रंग के होते हैं। इस जड़ी बूटी की जड़ 15 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कुटकी स्वाद में कड़वी होती है। यह कफ और पित्त को संतुलित करती है। तो आइए जानते हैं कुटकी के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर एक, लिवर के लिए। यह जड़ी बूटी लिवर सिरोसिस से राहत के लिए उपयोगी होती है। इसके रूट के पाउडर को लिवर सिरोसिस के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। एक चम्मच कुटकी को शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर दो, पीलिया का इलाज। कुटकी सभी आयुर्वेदिक दवाओं में उपयोग की जाने वाली प्रमुख आवश्यक घटक है जो पीलिया के इलाज के लिए भी उपयोग की जाती है। आमतौर पर कुटकी के 1 या 2 चम्मच पाउडर को पानी के साथ पीलिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 3, कब्ज में सहायक है। यह कब्ज की समस्या का इलाज करने के लिए भी बहुत सहायक है। कब्ज के लिए यह शहद के साथ मिलाकर दिन में लगभग 6 बार ली जाती है। इसके अलावा अपच के इलाज के लिए भी कुटकी बहुत मददगार होती है। नंबर 4, जलोदर में लाभकारी है। जलोदर यानी पेट में पानी भरने के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए 50 ग्राम कुटकी को 200 मिलीलीटर पानी में उबाल लें और सुबह शाम इसका सेवन करें। नंबर 5, बुखार के लिए। 3 से 4 ग्राम कुटकी पाउडर को सुबह शाम शहद के साथ खाने से पुराना बुखार, सर्दियों में होने वाला बुखार और कब्ज के साथ होने वाले बुखार ठीक हो जाते हैं। नंबर 6, एक्जिमा के लिए। एक्जिमा को साफ करने के लिए कुटकी और चिरायता को हल्का गर्म करें। इससे एक्जिमा के रोग ठीक हो जाते हैं। रात में 5-5 ग्राम कुटकी और चिरायता को किसी कांच के बर्तन में रखें और उसमें 100 मिलीलीटर पानी डालें और सुबह उठने पर उसी पानी को छानकर पी जाएं। इससे एक्जिमा ठीक हो जाता है। नंबर 7, सफेद दागों के लिए। कुटकी, मंजिस्टा, त्रिफला, बज, दारू हल्दी, नीम की छाल और गिलोय को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें और 40 दिनों तक इसका सेवन करें। इससे सफेद दाग ठीक हो जाते हैं। नंबर 8, गठिया में सहायक है। गठिया के रोग में कुटकी बहुत ही लाभकारी है। कुटकी के साथ 480 से 960 मिलीग्राम शहद सुबह शाम लेने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। इससे रोगी का बुखार भी खत्म हो जाता है। नंबर 9, रक्त विकार से मुक्ति दिलाएं। मुलैठी के साथ इसका प्रयोग करने से यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण देती है, जिससे रक्त विकार और हृदय रोग से मुक्ति मिलती है। नंबर 10, हिचकी और उल्टी का इलाज करें। अनुसंधान के अनुसार यह जड़ी बूटी लिवर संबंधी समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए यह पीलिया के कारण हिचकी और उल्टी का इलाज करने में सहायक होती है। इसके लिए 1 चम्मच शहद में 1 ग्राम कुटकी को मिलाएं और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। नंबर 11, मधुमेह में मदद करें। इसके मुख्य गुणधर्म पाचन स्राव को उत्तेजित करते हैं, जो बदले में अग्नाशय इंसुलिन स्राव को उत्तेजित करते हैं। यह ग्लाइकोजन के रूप में ब्लड शुगर के संचय में लीवर की सहायता करती है, जो मधुमेह को नियंत्रित करती है। नंबर 12, वजन कम करने में। कुटकी, चित्रक और ट्रिकेटू के पाउडर को समान मात्रा में मिलाएं। मिक्स करने के बाद इस मिश्रण को लगभग 1/2 चम्मच गर्म पानी के साथ लें। यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो इसका दिन में 1 बार और अगर अधिक मोटापे से ग्रस्त हैं तो दिन में 2 बार इसका सेवन करें।